तो फाइनली हमारा मैगी आ चुका है, वो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो उसे खाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी 9:30 होने वाले हैं और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो चुका हूँ। आज हमारा लास्ट सेशनल एग्ज़ाम, इसके बाद फिर सेमेस्टर आएगा, उसकी भी तैयारी करनी है। भाई इधर यहाँ पे तो ऐसा ठंड तो रुक ही नहीं रहा और माइनस में ही आ रहा है, कभी 5-6 तो कभी 4-5, तो क्या ही कहें। तो अभी सैफी आने वाला है तो सैफी के साथ जाएंगे, बाकी मम्मी तो अपने काम में लग चुकी हैं, तो चलो उन्हें अपना काम करने देते हैं और हम इंतज़ार करते हैं सैफी का, फिर उसके साथ निकलेंगे। तो फाइनली निकल चुके हैं कॉलेज के लिए और अब चलते हैं और देखते हैं क्या होता है सीन। बाकी यशवंत तो खड़ा है भगवान से देखा, मैं टाइम से आ गया, मार दिया ना, कॉल करने वाला था तूने, आ गया। चल चल चल, फाइनली गाइस हमारा सेशनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब आएगा सेमेस्टर, तो उसकी तैयारी करनी है। तो चलो घर चलते हैं या फिर देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, वहाँ चल के थोड़ी देर बैठेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आए थे मैगी खाने के लिए, क्योंकि कॉलेज से निकले हैं तो भूख सी लग रही थी, और कॉलेज से क्या तो ऐसा लगता है कि रात को भी आते हैं तो भूख सी लगती है, तो मैगी खाने का प्लान बना। तो मैं और यशवंत आए हैं, यहाँ पे मेरे घर के आगे ही है मतलब मैगी पॉइंट, तो वहाँ पे आए हैं और यशवंत की पहचान वाला है, वहीं पर आते हैं हम लोग जब भी मैगी खाने का मूड होता है। तो अभी मैगी बन रही है हमारी, तो चलो बैठ के इंतज़ार करते हैं और मैगी खाते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग के लिए निकलेंगे। तो फाइनली हमारा मैगी आ चुका है, वो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो उसे खाते हैं। तो फाइनली हम अपने कोचिंग के पास आ चुके हैं और अब थोड़ी देर, अभी हाफ एन आवर बचे हुए कोचिंग में, तो उसके बाद कोचिंग करेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे और फिर अपना खाना पीना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। अब एग्ज़ाम तो है नहीं, तो अपना कुछ दिन रेस्ट करेंगे, फिर अपना वापस से डेवलप्ड एंड जो सेमेस्टर है उसके ऊपर तैयारी करेंगे। तो बस इतना ही कुछ है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो कोचिंग में टाइम है। अली कोचिंग निपटा के घर की तरफ आ चुके हैं और चलो घर पहुँचते कुछ आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद सेमेस्टर के लिए। तो कॉलेज के कपड़े चेंज करके फाइनली बैठ चुका हूँ और भूख लग रही है, क्योंकि कोचिंग से निकलते ही भूख इतनी तेज़ लगती है भाई साहब कि रुका नहीं जाता है। तो फटाफट घर आया और मम्मी से बोला, और मम्मी ने आज दिए हैं ये हमारा कुछ प्लेट है, ये चटनी तो अभी मैंने बनाई है, और ये सोयाबीन नहीं चना है और आलू है, और ये हमारे हैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, तो भाई साहब सबसे बेस्ट है, तो इसे खाते हैं और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो खाना पीना तो हो चुका है और अब करेंगे आराम, क्योंकि अभी तो कुछ वक्त है हमारे पास आराम करने का और फिर पढ़ाई वापस से स्टार्ट करेंगे। 10 दिन है अप्रॉक्स, तो 10 दिन में हमारा हर सब्जेक्ट का तो तैयारी हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत और उसमें प्रोग्रेस करना है और फिर इसके साथ हो जाएगा, तो वो सब तो हो जाएंगे, तो अब बस करना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर उसका सेमेस्टर, फिर छुट्टी हो जाएंगे, फिर देखते हैं कहीं घूमने जाओ तो वहाँ पे चलेंगे, नहीं तो फिर आगे क्या होगा सोचेंगे। तो बस इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग में, अगर कोई ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, ठीक है, मैंने बोल दिया, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, दोनों बटन अवेलेबल होते हैं, तो जो आपका मन हो वो करो, ठीक है, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो वो भी कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए I want that feeling, it's all